लखनऊ का दारुल सफा एक ऐसी जगह है जहां आप सुबह सुबह आएं और कपड़ा कुर्ता पैजामा का कपड़ा बनवाएं, कपड़ा ले और शाम तक आपका कपड़ा सिल जाता है। अगर कपड़े गंदे हो जाएं तो वो एक ही दिन में धुल भी जाते हैं, और अगर आप कपड़े लेकर नहीं भी आएं तो आपको 100, 150, 200 रुपए की शर्ट भी मिल जाएगी, पैंट भी मिल जाएगा। अब इसमें देखिए इस तरह की दुकानें हैं दारुल सफा के भीतर, वो कपड़ा सिलने वाले धुलने वाले भी हैं, तो 12 घंटा से ज़्यादा कोई वक्त लगता नहीं। ये दुकानदार हैं, मैं थोड़ा रंग हर चल के दिखाता रहता हूँ। तो मैंने सही बोला नहीं? जी बिल्कुल सही बोला आपने। ये ज़्यादातर तो वही लोग कपड़ा खरीदते हैं जो ले के आए नहीं रहते हैं, लखनऊ रह जाना पड़ता है कई दिन, ज़रूरत इनको होती है वही पहनते हैं इसको, ज़रूरत पर पहनते हैं इसको। पहले अच्छा था कि अब अच्छा है? अच्छा तो पहले था, धरना था यहाँ होता था, धरना प्रदर्शन तो भीड़ भाड़ होती थी, अब यहाँ पर सन्नाटा रहता है। बीजेपी सरकार में विरोध प्रदर्शन तो ख़त्म ही हो गया? हाँ सब खत्म हो गया है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आज के 15-20 साल पहले ये दारुल सफा में विधायकों के यहाँ, उनके यहाँ समर्थकों की, उनके कार्य क्षेत्र के लोगों की खूब भीड़ रहा करती थी, अब विधायकों के आवास में कहीं कोई दिखाई नहीं देता, इसकी क्या वजह? इसकी वजह क्या है, हमारे योगी महाराज ने कहा है कि अपने अपने क्षेत्र में संभालिए आप, जब वो यहाँ आएंगे ही नहीं तो भीड़ भाड़ कहाँ होगी। जरूरत और ऐसा भी नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि ये खाली योगी मोदी के चेहरे पे जीत रहे हैं तो जनता में भी इनका कुछ पैठ नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये तो जनता अपने दिल से वोट कर रही है तो जीत रहे हैं। ये लोग को कर रही है कि योगी मोदी को कर रही है? अब ये तो भाई हम कैसे बता रहे, ये तो आपके सामने ही है। अच्छा दूसरी बात, अब नेता तब दमदार थे 15-20 साल पहले कि अब दमदार? देखिए नेता तो सब एक ही जैसे हैं, दमदार तो कोई अभी तक नहीं दिखा जो एक सिद्धांत पे एक कटागिरी पे खड़ा होके दिखाए, अभी तक तो ऐसा कोई दिखा नहीं है। अच्छा कोई ऐसा नेता जो आपके यहाँ कपड़ा वपड़ा पहना हो बाद में बहुत बड़ा हो गया? हाँ ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं, आते हैं कि भैया हम नेता बन गए हैं और हम जीत गए इलेक्शन, आपके ये बहुजन समाज पार्टी के थे। चलिए ठीक है, मैं तो ऐसे चर्चा करता हूँ तो। हाँ सर आप बताइए कहाँ से हैं, कैसे हैं, आपका क्या परिचय? अरविंद दुबे हमारा नाम है, औरैया जनपद से हैं, औरैया जनपद पूर्व जिला महामंत्री रहे, जिला संयोजक रहे और पराग डेयरी के जिला अध्यक्ष भी रहे, और वर्तमान समय में भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। एक ज़माना था जब इटावा औरैया मैनपुरी कन्नौज में भाजपा का झंडा कोई कम लोग उठाने वाले थे? नहीं हम ही ने उठाया झंडा जब रासुका लगी, और वो हुआ हमारे यहाँ विधायक जी थे अशोक दुबे जी, उन पर रासुका भी लगी थी, तो नवासी में हम लोगों ने आंदोलन किया था, और नवासी में भी छक्की लाल जी अजीतमल से, के राज जी लखनऊ से और अशोक दुबे जी इटावा से, तीन विधायक हमारे जीत के आए थे। और झंडा तो मुलायम सिंह जी के खिलाफ हमेशा बुलंद करते रहे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन उस समय उनका थोड़ा ज़्यादा वर्चस्व था, अब वो भी समाप्त हो गया है। अब तो इटावा की भी सीट जीती रहे लगातार भाजपा वाले? भाजपा वाले जीत रहे और फिर जीतेंगे, उनकी जमानत जब्त होगी इटावा में भी और कन्नौज में भी। मैनपुरी? हाँ मैनपुरी भी, मैनपुरी संघर्ष की सीट है लेकिन मैनपुरी में भी अब की बार जीतेंगे। योगी जी और मोदी जी ऐसा काम करते हैं, जैसे भैया ने अभी बोला कि यहाँ पे कोई आता नहीं है, वो इस वजह से नहीं आता कि गाँव में उसका काम वहीं हो जाता तो दारुल सफा या विधानसभा के चक्कर क्यों लगाए। आप कैसे आए? हम तो आज इलेक्शन था राज्यसभा का और सारे विधायक आए थे, पुराने भी थे, तो हमारा मिलना भी हो जाएगा, सारे लोगों से संपर्क हो जाएगा, हम तो इस वजह तो सब दूसरे पार्टी वालों को तोड़ के चुनाव जीते हैं भाजपा वाले? नहीं भाई साहब वो काम देखते हैं, माननीय योगी जी का, माननीय मोदी जी का काम देखते हैं, तो चुनाव से पहले क्या नहीं ज्वाइन कर लिए, वोटिंग के दिन क्यों क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं? अब जब एक पार्टी का सचिव ने अपने विधायक क्षेत्र से इस्तीफा दिया, उन्होंने ना देते राज्यसभा में, अपने अपने पद से अपने पार्टी से इस्तीफा देते हैं और फिर से चुनाव जाके लड़ते और जीत के आते तब माना जाता। आप जीत के आए, दूसरी पार्टी से ऐन वक्त पर आप इधर का उधर, उधर का इधर कर रहे हैं, अब बीजेपी नैतिकता की बात करने वाली वोट भी ले रही है और कह रही है कि हमारी नीतियों में सब शामिल होते जा रहा है। नहीं वोट तो जिस दिन सेठ जी का पर्चा दाखिल करवाया उसी दिन था कि वोट तो जो संपर्क करेगा अच्छा काम होगा उसे वोट देंगे विधायक लोग। ये तो तय था कि बीजेपी ने 8वां कैंडिडेट लड़ा दिया तो वही जीतेगा। वो जीतेगा क्या सब जब वो अगर 36 वोट थे चंडीगढ़ के मेयर में जी,
और एक तरफ 20 थे आपकी तरफ 16 थे, 20 वाले का 8 आपने गैर कानूनी कर दिया, और तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार ये लोकतंत्र का गला घोट रहे हो तुम लोग। और उस जीत पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ट्वीट भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के विश्वास में चंडीगढ़ की जीत की बधाई। तीन पार्षद उसमें भी आ गए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो अभी आए हैं। हाँ, वो अभी आ गए तो उनकी इच्छा थी तो उन्होंने वोट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जब केस लगा तब आपका वहाँ का मेयर इस्तीफा दिया और तीन पार्षदों को आपने उनको ज्वाइन कराया। तो खैर चलिए, ये सब चल रहा है। बीजेपी तो चुनाव जीतेगी और नहीं जीतेगी तो सरकार बनाएगी। नहीं, बीजेपी 400 पार होगी, जीतेगी नहीं, 400 पार होगी बीजेपी। भाई साहब आप ही देखो कि यहाँ पे कोई कार्यकर्ता नहीं आ रहा, कोई किसान नहीं आ रहा आंदोलन, और उसके लिए धरना प्रदर्शन लिए विधायक के यहाँ आपको 10 कार्यकर्ता गांव के नहीं मिलेंगे काम के लिए। अरे तो, बड़े बड़े नेता ईडी सीबीआई इसके उसके शिकंजे से डर के पाला बदल दे रहे हैं। जनता यहाँ आए लाठी पड़े क्या करे, आ तो रही और 70,000 शिक्षकों वाले आ रहे हैं यहाँ बैठा के इको गार्डन, जब आ रहे हैं आंदोलन करते हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में जो राशन लेने गरीब जाता था उसका थैला भी छीन लेता था वो कोटेदार, आज उसे पूरा राशन मिल रहा। तो इससे मैं कहा उनको अपने ही कर्मों की सजा मिल रही है जो आज उनको जिस जगह पर बस पर पहुंची है, आज एक सीट है और